चलती है टेलीविजन पर, तो आम आदमी पार्टी के साथ में मीडिया बंधु भी हमसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या उनके एमएलओ को तोड़ा जा रहा है। हम कोई किसी बात पर भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि प्रश्न पहले हमने खड़ा किया कि आपने शराब में घोटाला किया, उसके ऊपर में कोई जवाब नहीं देना और इसको पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर देना, ये अब आम आदमी पार्टी ने अपना तरीका बना लिया है। हमारा उनसे सीधा सीधा प्रश्न है कि आपने जो कमेटी ने आपको सारी पॉलिसी रिकमेंड करी थी, आपने उसको क्यों नहीं माना? और जो L1 का कमीशन था, उसको आपने 2% से 12% क्यों कर दिया? इस बात का आज तक किसी भी डिबेट पर, कोई भी आम आदमी पार्टी की कॉन्फ्रेंस में, केवल ये 2% से 12% क्यों किया, इस बात पर कोई जवाब आज तक ना किसी ने मांगा है, ना उन्होंने दिया है और ना वो देंगे। क्योंकि पॉलिसी में जो सबसे बड़ा करप्शन है, वो केवल ये 2% से 12% क्यों किया L1 का, केवल यही सबसे बड़ा घोटाला है। इसके ऊपर उनके पास में कोई जवाब ही नहीं। ये वही पार्टी है जो हर बात पर कागज दिखाने की बात करती थी, जो हर बात पर जन सर्वे कराने की बात करती थी, जो कहती थी कि अगर किसी मोहल्ले में ठेका खुलेगा तो वहां पे सारा मोहल्ला की मीटिंग होगी, उसके बाद में वो तय करेंगे कि ठेका खुलेगा या नहीं खुलेगा। मगर इन्होंने कोई कमेटी की बात नहीं मानी, ना कोई इन्होंने अपनी ही बात मानी। तो इसलिए ये आजकल बहुत, या तो पिक्चर देख रहे हैं, रातों रात में स्क्रिप्ट बना देते हैं। कोई भी हमारे एमएलए जो है मिल नहीं रहे, उनका नाम भी नहीं बताते, कौन फोन कर रहा है बीजेपी वाला, उसका भी नाम नहीं बता रहे। मगर इनके कौन कौन विधायक नहीं मिल रहे, उनका भी नाम नहीं बता रहे। अगर ये उनका नाम बता दे तो हमारे कार्यकर्ता जो है उनके घर जाकर उनको ढूंढ के ले आए और हम खुद ही विधानसभा पहुंचा तो करता है ना तुम्हारा केजरीवाल भाई। लोगों की नहीं करता है, अपनी तो खूब करता है। जब से मुख्यमंत्री बना है 35 किलो वजन बढ़ गया है। कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया कोविड में, एक भी ऑक्सीजन कोई प्लांट नहीं लगाया। दिल्ली में 23,000 लोग जिस महीने मरे थे, उसी दिन उसी महीने में एक्साइज पॉलिसी लेकर आए। सारे मंत्रियों का इलाज अपोलो हॉस्पिटल में कराता, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं भेजता। दिल्ली में मोदी जी की आयुष्मान योजना को लागू नहीं करता, नेता हमारा अच्छा। तो ये इनकी हाल हो गया है। आप इनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछो, हिस्ट्री का जवाब दें। तो रातों रात में इनके एमएलओ को कौन अटैची में भरकर ले गया, कौन उनको बोरी में डालकर ले गया, कौन कहां ले गया, आप हमें बताइए केजरीवाल जी। अगर आपका कोई एमएलए नहीं मिल रहा है, आप हमें बताइए, हम दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट करके उसको घर से अपनी गाड़ी में लेकर आपकी विधानसभा में आपके घर तक पहुंचाएंगे, सुरक्षित पहुंचाएंगे। आप उसका नाम, अगर नाम तो बताना पड़ेगा, कौन आपको फोन कर रहा है वो तो बताना पड़ेगा। आज इन्होंने राजघाट को, एक अपना राजघाट जैसी पवित्र स्थान को गंदा कर दिया। तो हमारे कार्यकर्ता आज वहां पर जाएंगे, वहां पे गंगा जल का छिड़काव करेंगे, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो हमेशा शराब का विरोध करते थे, आज उधर जाकर कम से कम ये पश्चाताप करके ये तो बताएं कि उन्होंने कितने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया है, वहां पर जाकर तो माफी मांग ले। मगर इनको इतनी शर्म नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इनको एक बात अच्छे से पता है कि केजरीवाल जी को जो ये बार बार बोलते हैं मनीष सिसोदिया जी 2-3 दिन में जेल में जाने वाले हैं, ये बात इनको अच्छे से पता है। और मनीष सिसोदिया को ये बात अच्छे से पता है कि उसने फाइल पर साइन किए थे,
चाहे ये जो मर्जी जितना मर्जी अच्छा ड्रामा कर लें, चाहे एक दूसरे को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर दें, मगर इनका जेल जाना निश्चित है। इनको जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जांच एजेंसियों के पास में सारे सबूत हैं, सारे गवाह हैं, सारी डील, सारी ट्रांजेक्शन कहां कहां कैसे कैसे हुई है उनके पास में सारी रिपोर्ट है, इसलिए इनका बच पाना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर